हे गाइस, ये फिफ्थ लेक्चर होने वाला है हमारा राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट का, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं मारू रागनी बी ए। मारू रागनी ए हम प्रीवियस लेक्चर में डन कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख लेना ज़रूर, काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। ये मारू रागनी बी होने वाली है और ये हमारी पेंटिंग नंबर 2 है और ये लेक्चर नंबर 5 है। अब देखो, इसके भी आर्टिस्ट साहिबद्दीन है, इसके भी दोनों मारू रागनी के आर्टिस्ट साहिबद्दीन ही हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। स्कूल इसका भी मेवार है। बस गाइस, थोड़ा सा पीरियड पर चेंज है, 1660 AD। याद कर लो, पीरियड जरूरी है, या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हो। मीडिया में टेम्परा, जब हम वाटर कलर से ना वाटर कलर ऑन पेपर, अगर हम वाटर कलर से पेपर पर ड्राइंग करते हैं ना, तो उसको टेम्परा कहा जाता है, समझ आया। अब इसकी कोटेसी है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में मिल जाएगी आपको पेंटिंग। दिस पेंटिंग हैज़ 2 पार्ट। देख लीजिए इस पेंटिंग की एक बार झलक। इस पेंटिंग के 2 पार्ट हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। आप पहले पढ़ते हैं अपर पार्ट। बोथ नायक एंड नायिका आर सिटिंग ऑन कारपेट। एक नायक है, एक नायिका है, और दोनों कारपेट पर बैठे हुए हैं। देख लीजिए, येलो कैनोपी एंड रेड कर्टेन। येलो कलर की कैनोपी दिखाई गई है और रेड कलर के कर्टेन दिखाए हुए हैं। बोथ आर ऑफरिंग फ्लावर एंड अ कप ऑफ ड्रिंक्स टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे को फ्लावर और कप, टी का कप एक दूसरे को मतलब परोस रहे हैं, दे रहे हैं। ऑन द बोथ साइड वी कैन सी अ बिग ट्री। दोनों तरफ बिग ट्री दिख रहे हैं, देख सकते हो आप, ये रहा ट्री और ये रहा ट्री, ठीक है। अब देखते हैं लोअर पार्ट, कितनी आसान पेंटिंग है। अगर आप इसी तरीके से लिखोगे तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आने वाले हैं, बस आप ये मेरी वीडियो मतलब फॉलो कर लो। लोअर पार्ट, द कैमल प्रेजेंट्स रिप्रेजेंट द अराइवल ऑफ ढोला। नीचे ना इसका मतलब नायक नहीं दिख रहा, नायक को यहाँ पे नीचे वाली में ढोला बोला गया है, तो इसका ढोला नहीं दिख रहा, तो कैमिल ढोला का काम कर रहा है, यानी कि ढोला नहीं है इसलिए कैमिल है, तो कैमिल को ही ढोला बोल दिया गया है। अब देखो सेकंड पॉइंट, नीचे वाला पार्ट का, कैमिल इज अ डीप येलो कलर। कैमिल को ना डीप येलो कलर में दिखाया गया है, आप देख ही सकते हो। और पिंक फ्लावर कैन आल्सो बी सीन बिहाइंड द कैमिल। पिंक कलर के फ्लावर ये देख सकते हो आप, कैमिल के बिहाइंड दिख रहे हैं। अब फुल पेंटिंग का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लैक एंड डार्क ग्रीन कलर आर यूज इन बोथ पार्ट। ये जो इस ये वाले कलर है ना, रेड, ऑरेंज, येलो, ज़्यादातर पूरी पेंटिंग में यही कलर का यूज़ हुआ गया है। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज लाइक करो वीडियो को, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ताकि मुझे मोटिवेट होऊं मैं और काफ़ी अच्छी वीडियो बना पाऊं। तो गाइज, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।